तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामाश भित्वा शूलेन वक्षसि स गताशुः पापातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्दिद्वीपां सपर्वतां तत प्रसन्नम् अखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चावन्नभ उत्पात मेधा सोल्काम ये प्रागान संस्ते समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यंस्त तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भरमानुषा बभूवो निर्हते तस्मिन् गंधर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये नृतुश्चाप्सरोगणा बभुः पुण्यास्तथा वातः सुप्रभो अभूदिवाकरः जज्जलूशाग्न्य शान्ताः शान्ताः दिग्जनितस्वना ॐ ॐ। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखे रूढ़ गए और वह समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तब समस्त देवताओं ने भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करी। देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत स्वंबिका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपाम स्वरूप स्थितया ते तदाप्यायते कृष्ण मंगलंघ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्याः समस्तास्तव देवि वेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वके त्वयैकया पूरितं मम्बये तत् का ते स्तुतिस्तव प्रापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुते का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते कला काष्ठादि रूपेण
परिणाम प्रदायिनी विश्वस्यो परतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यातिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कोशाम्भ्यक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुकुटभ्रदे महाशक्ति धरे अनघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंख चक्र गदा सांग्रहित परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतो ग्र महाचक्रे दंष्टो अद्रुत वसुंदरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते निशिंग रूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान कृतोद्धमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्ज्वले वित्र प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्यं महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्टा कराल वदने शिरो माला विभूषणे चामुंडे मुन्नमतने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे दुर्वे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेघे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् बातु न सर्वभीतिभ्य कात्यायनी नमोस्तुते ज्वाला कराल मृत्यो अग्रशेषासुर सूदनम त्रिशूलम पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनेना पूर्य या जगत सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो अनह सुतानिव असुरा शिग्व सा पंक चर्चितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयम् रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामाल सकलान भिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताश्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्ध धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपन रूपेन्नरेक बहुधा आत्ममूर्तिं कृताम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपे द्वादेषु वाक्येषु च का त्वदन्या ममत्व गर्ते अति महा अंधकारे बिभ्राम्यतीवविष्यम रक्षांशी यत्रोग्र विशाश नागा यत्रारयो दशबलान यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपाशि विश्वम विश्वेश्वरी त्वं परिपाशि विश्वम विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम विश्वेश बंधा भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथा सुरवधा धनुनैव सद्य पापानि सर्व जगतां प्रशमं नयाशु उत्पात
पाक जनितांश महोपसर्गान प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोकस्य वासिनामिड्डे लोकानां वरदा भव। श्रीदेव्य उवाच वरदाहं सुरगणावरं यन्मनसेक्षद तं विणोध्वं प्रयक्षामि जगतामुपकारकं देवाऊचु सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। तमायांतं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि सगताशुः पापातोर्व्यां देवी शूलाग्रवेक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्दिद्वीपां सपर्वतां तत प्रसन्नम् अखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमतीवाप निर्मलं चावन्नभ उत्पात मेधा सोल्काम ये प्रागान संस्ते समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यंस्त तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भरमानसा बभूवो निर्हते तस्मिन् गंधर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्येऽन्यैर्नृतुश्चाप्सरोगणा बभूः पुण्यास्तथा वातः सुप्रभो अभूदिवाकरः जज्जलूशाग्न्य शान्ताः शान्ताः दिग्जनितस्वना ॐ ॐ। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तब समस्त देवताओं ने भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करी। देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत स्वंबिका महीस्वरूपेण यत स्थितासि अपाम स्वरूप स्थितया ते तदाप्यायते कृष्ण मंगलंघ्य वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमाशि माया
सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्याः समस्तास्तव देवि वेदास्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वके त्वयैकया पूरितं मम्बये तत् काते स्तुतिस्तव प्रापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुते कारवा भवन्तु परमोक्तय सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यातिरहरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कोशाम्भ्याक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुकुटभृदे महाशक्तिधरे अनघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखचक्र गदा संग्रहित परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्टो अद्रुत वसुंदरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते निशिंग रूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान कृतोद्धमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्ज्वले वित्र प्राण हरे चेन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्यं महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्टा कराल वदने शिरो माला विभूषणे चामुंडे मुंडमतने नारायणी नमोस्तुते।